नए मुखिया के राष्ट्रतिलक की तैयारी, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह, जनपद की बजाय अल्बर्ट हॉल पर होगा कार्यक्रम, तैयारियों में जुटे नौकरशाह। शपथ ग्रहण पर मरुधरा में यूपीए का शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश जैसे प्रमुख नेता करेंगे शिरकत। अशोक गहलोत को बधाई देने उमड़ा जन सैलाब, जयपुर में घर पर लगा रहा समर्थकों का जबावड़ा, विधायकों समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी की मुलाकात, सचिन की आवाज पर भी जुटे समर्थक। 5 राज्यों में हार के बाद आज प्रधानमंत्री की पहली रैली, प्रयागराज में देंगे 2020 के लिए बड़ा संदेश, कुंभ के निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण, रायबरेली में रेल कारखाने का करेंगे दौरा। राफेल पर फरगरमाई सियासत, विपक्ष ने एजी को पीएसी में किए बुलाने की मांग, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भूल सुधार का दिया हलफनामा, राफेल पर 70 शहरों में होगी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हो सकता है छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम का ऐलान, टीए सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और महंत समेत 4 नेताओं में है मुकाबला, आज विधायक दल की बैठक के बाद होगा ऐलान, कल शपथ। आंध्र प्रदेश में चक्रवातीय तूफान का हाई अलर्ट, तटीय क्षेत्रों में भेजी गई एनडीआरएफ की टीम, चक्रवात के अगले 72 घंटों में आगे बढ़ने की आशंका। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में मरुधरा का एक और लाल शहीद, पीड़ी के किशन सिंह ने दी शहादत, पुलवामा में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर, आज पैतृक गांव लाया जाएगा शहीद का पार्थिव शरीर। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 2 दर्जन गौवंश को कराया गया मुक्त। देश भर में कोहरे की चपेट में लोग, फतेहपुर में लगातार माइनस में टिका पारा, तो माउंट आबू में जमी बारिश।